अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, SC, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से BJP के साथ खड़ा है, प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी Mathua will 75 BJP 25 Trinamool. हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली BJP ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो BJP को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि BJP की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10-15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि BJP की सरकार बन रही है, तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा हमेशा कि BJP की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो BJP आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंसी है तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंसी इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई BJP का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर BJP के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज BJP के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, एक दो जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर BJP का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, you know, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying, talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, you know, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50% 50 to 55% Hindus are voting for BJP.